आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों से ये सॉफ्टी। बहुत ही अच्छा स्नैक्स आइडिया है ये, और अगर आप भी बोरिंग नाश्ते से परेशान हो गए हैं तो इसे ज़रूर ही ट्राई कीजिए। बच्चों से लेके बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में आप ये नाश्ता बना सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलो बनाना शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक रोटी को चार पीसेस में कट कर लेना है। सो इस तरीके से आप फोर पीसेस में रोटी को कट कर लीजिए। एक रोटी से हमारी चार सॉफ्टी बनके तैयार हो जाएंगी। सो हमें रोटी की हेल्प से सॉफ्टी की जो कोन होती है वो हमें बनानी है। सो इस तरीके से इस शेप में आप अपनी रोटियों को कट कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पर रोटी कट कर ली है अच्छे से, और अब हम इसके बाइंडिंग की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में 5 चम्मच मैदा ली है, और मैदा को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी आपको एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए। एकदम से पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। सो आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए, और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको इसकी रेडी कर लेनी है। सो इस तरीके से इसमें लम्स भी नहीं होंगे, और आपका जो बैटर है वो भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा बैटर हो जाना चाहिए रेडी, सो यू कैन सी। और अब हमने जो हमने रोटियां कट की थी उन पे हल्के से लगा के और इसको इस तरीके से रोल कर लेना है। सो इस तरीके से आपको कोन की शेप में, और हमने इसमें मैदा लगाई है तो मैदा से ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा, अच्छे से चिपक जाएगा। सो यू कैन सी मैंने इसी तरीके से अपनी बाकी भी कॉर्न रेडी कर ली हैं। सो कॉर्न हमारी रेडी है, और अब हम इनको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना बाकी का जो फिलिंग वाला मसाला है वो बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बॉईल हुए आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। सो इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी। तो मैंने 2 प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज मैंने यहाँ पर डाल दी है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी वो भी डाल रही हूँ, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा धनिया भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, और बाकी भी सब्जियाँ अगर आपको पसंद है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। सो अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। बाकी मसालों में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाले का बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। तो ओवरऑल हमें ये जो आलू की या फिर समोसे की अगर आपने पिट्ठी खाई हो तो इस तरीके की हमें ये पिट्ठी बनानी है। और अगर आपको चटपटा पसंद है तो इस पिट्ठी को आप चटपटा ही बनाइए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। सो अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी अब यहाँ पर ऐड करना है, और चाट मसाला पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा ओरिगेनो भी हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, पिट्ठी का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा सभी मसालों का। सो आपको इस तरीके से एक चटपटी सी पिट्ठी बना लेनी है, और क्योंकि हम जो हमारी जो कॉर्न हमने बनाई है उसमें अंदर ये स्टफिंग डालेंगे तो जब ये मुँह में आएगी तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आना चाहिए। सो इसलिए अच्छे से आपको मसालों को मिक्स करते हुए बहुत ही परफेक्टली ये बना लेना है। आपको टेस्ट करके ज़रूर देख लेना है कि आपका इसका नमक और मिर्ची वगैरह सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर हल्का नमक रहेगा तो ये थोड़ा फीकी लगेगी, तो फीकी नहीं रहनी चाहिए। सो अब हम अपने कोन को देख लेते हैं। आप देख सकते हो कोन भी हमारे बिल्कुल भी परफेक्टली सेट हो चुके हैं, और अब हमें इसमें अपना जो मसाला हमने बनाया है, जो पिट्ठी हमने बनाई है, उसको बहुत ही अच्छे से इसमें फिल कर लेंगे। सो आपको इस तरीके से फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से दबाते हुए बहुत ही अच्छे से अंदर तक आपको इसको फिल कर लेना है। सो हमारी सारी कोन रेडी हो गई हैं, और हमने इसमें अच्छे से मसाला डाल लिया है। सो मसाला हमने इतने अच्छे से डाले, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये रेडी हो गई है। तो सारी कोन हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अब हमने जो मैदा का जो घोल बनाया था उस घोल को हम इसमें हम अपनी एक एक कोन को जो मुँह है उसका वहाँ से इसको डिप करेंगे, और इस तरीके से इसको बंद कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो मसाला बाहर नहीं निकलेगा, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा, और इसका जो मैदा से इसमें क्रिस्पीनेस भी बहुत ही अच्छी आ जाएगी। सो इस तरीके से आपको
ऑयल को बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है और गरम गरम ऑयल में ही आपको अपनी ये डाल देनी है। सो हमने अपनी तीन से चार हमने कोन यहाँ पे डाल दी हैं ऑयल में, और आप देख सकते हो ऑयल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से गरम है। आपको ठंडे ऑयल में नहीं डालना है, ठंडे ऑयल में आप डालोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इनमें ज़्यादा तेल भी भर जाएगा। सो इस तरीके से आपको ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। और अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें तो मेक श्योर आपका ऑयल बहुत ही अच्छे से गरम होना चाहिए, क्योंकि आप कच्चे तेल में अगर आप डाल दोगे तो उसकी जो तेल की ही गंध रहेगी। सो इसलिए अच्छे से आपका तेल पका हुआ होना चाहिए और आपको इनको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इनको फ्राई कर लेना है। सो अब हमने इनको निकाल लिया है, आप देख सकते हो कितनी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हमारी और क्रिस्पी ये लग रही है, ये इनको गार्निश। सो सबसे पहले हम इस पर सॉस लगाएंगे, जो सॉफ्टी का जो मुंह बनाया है जहाँ पे हमने मैदा लगाई थी पहले, अब हम उस पर लगाएंगे सॉस। सो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वो साथ ही साथ ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगी। सो इस तरीके से हमने पहले सॉस लगा रही है, साथ ही साथ हम इस पर थोड़ी सी नमकीन डाल रहे हैं। यहाँ पे मैं दाल सेव जो होती है, सेव आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी नमकीन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आप लगा लीजिए, इससे ये देखने में भी अच्छी लगेगी और इनके खाने में भी इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इस तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी सॉस सब पे लगा ली है और साथ ही साथ नमकीन भी इस पे ऊपर से डाल दिए। सो यू कैन सी कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, और इनका जो टेस्ट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो इस तरीके से आप गार्निश कर लीजिए अपनी सारी सॉफ्टी को, इस तरीके से आप गार्निश कर लीजिए। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ती ऊपर से डाल रही हूँ, और धनिया पत्ती हमने डाल लिया है और सॉस में हमने लगा लिया। सो यू कैन सी कितनी अच्छी है देखने में लग रही हैं। और अब हम इस पर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। सो चाट मसाले का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। सो इस तरीके से हम चाट मसाला डाल के ही इनको सर्व करेंगे। सो गर्मा गर्म आप इनको सर्व कीजिए, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही साथ बच्चों से लेके बड़ों को भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये बहुत ही इंस्टेंट और कुछ अगर आप नया ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।